Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine at your home. Dear student, in my previous video, I have taught you Congo beat. Today I will teach you new Congo beat. The name of the Congo beat is Keherba, जो एक new variation के साथ मैं आपको सिखाऊंगी. Okay? पहले वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चे, और फिंगर्स को मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, हाफ पाम को मैंने कैसे यूज़ किया है. फिंगर्स का जो एक मैंने जो यूज़ किया है, फिंगर्स को कैसे उसे मैं प्ले कर रही हूँ, वो आप ध्यान से देखें, तभी आप इस बीट को सीख सकते हैं. ओके, शुरू करते हैं. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मार्चिंग बीट सीखी थी, और उससे पहले हम डिस्को बीट, वेस्टर्न बीट, रोलिंग के साथ हम कर चुके हैं. आज हम मैं आपको एक कहरबा का एक छोटा सा पैटर्न सिखाऊंगी, ठीक है, धाके नाते नकदीना के साथ. कहरबा में यू नो एट मात्रा होती है, धाके नाते नाके धीना, जिसे मैंने आपको हैंड पे भी लगाना सिखाया है. धा गे ना ती ना का धी ना, इसी ताल को हम आज कोंगो पर प्ले करेंगे. इसका छोटा सा एक पैटर्न है, जिसे हम कैसे प्ले करेंगे, यू नो हम इस वाले ड्रम को हाफ पाम से यूज़ करते हैं और यहाँ फिंगर से. ओके, फिंगर कैसे चलानी है, लाइक दिस. एक बार इसी तरीके से टेबल पर प्रैक्टिस करें. शुरू करते हैं. ये हमारा पैटर्न है, यहाँ टू से शुरू करेंगे. डबल बीट से हम शुरू करेंगे. और जब आपकी फिंगर और ये सेट हो जाए, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, लाइक दिस. समझ में आया होगा, और हम स्कूल में जब भी मिलेंगे तो इस बीट की कोंगो के साथ करेंगे. बात करते हैं होमवर्क की. आप सब लोग इस बीट को टेबल पर ट्राई करें. अगर आपके पास कोंगो है तो आप कोंगो पर प्ले करें. ओके, ये ताल हम तबले पर भी प्ले कर सकते हैं. ओके, तबले पर ये बहुत सुंदर प्ले होगी. आप ट्राई करें अगर आपके पास तबला है. नेक्स्ट क्लास में हम नोटेशन पर वर्क करेंगे, मीन्स इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम सीखेंगे. ओके,
आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।